हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। हम आज के वीडियो में देखेंगे कि हमारी एक्टिवा में हम बैटरी कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे वायर उसके लगाएंगे और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसको लगाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि आप बैटरी को कैसे लगाएंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे वायर उसमें प्लस माइनस के कैसे लगाएंगे। जो भी तरीका है, जो भी सही तरीका है, मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये जानना है कि एक्टिवा की बैटरी कितने की आती है और कितने साल की गारंटी आती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने अपने वीडियो में एक पहले जो बनाया है उसमें सभी जानकारी दे रखी है। तो आप ये ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। आज हम बताएंगे कि बैटरी कैसे लगाते हैं एक्टिवा में। तो हम सबसे पहले ये दो स्क्रू होते हैं कवर के, तो इन दोनों स्क्रू को पेचकस की द्वारा से हेल्प से इन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कवर देखिए, कवर हटाने के बाद इस कवर हटा दें और फिर जो बैटरी के जो वायर होते हैं दोस्तों, उनको बड़ी अच्छी तरीके से पानी से धो लें। अगर गर्म पानी से धोएं तो और भी अच्छी बात है। तो इसमें ये ध्यान रखें दोस्तों कि कार्बन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पानी से इस वायरों के जो मुंह होते हैं उनको अच्छी तरीके से साफ कर दें। और जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, जब तक इसको अच्छी तरीके से पानी से धोएं, क्योंकि दोस्तों ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, कई बार ये जो बैटरी का एसिड जो होता है इन मुंह पर जम जाता है। तो दोस्तों कभी ये आरी का पत्ता या कुछ ऐसा कुछ एमरी पेपर लेकर हमें इनको बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको साफ़ कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से साफ़ कर लें। अब ये दोस्तों ये बैटरी है, बैटरी का ये माइनस पॉइंट है जो आप लाल बॉक्स में देख रहे हैं, तो इसमें हमेशा माइनस वाला वायर ही लगाया जाता है, जो कि मैं आगे आपके बताऊंगा दोस्तों। ये जो मैंने लिख भी रखा है माइनस पॉइंट है, और ये इस साइड आपको प्लस पॉइंट ये नज़र आ रहा है, जो मैंने प्लस रेड कलर में लाइन में लिखा हुआ है कि ये बैटरी का पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अपने एक्टिवा में वायर होता है बैटरी पे लगाने का, वो लाल कलर का होता है, वो लाल वाला वायर इस पॉजिटिव में लगता है। तो ये माइनस, ये प्लस, तो इसी तरीके से आप जब भी बैटरी लगाएं तो इसको देख लें अच्छी तरीके से दोस्तों। अब इस बैटरी को हम अंदर आराम से इस बॉक्स में डालेंगे और बॉक्स के नीचे देख लें दोस्तों कि कुछ कंकर वगैरह या कील वगैरह कुछ बॉक्स के अंदर है तो नहीं, नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि बैटरी का लीकेज होने का खतरा रहता है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों, ये देखिए ये ग्रीन कलर का वायर है, तो ये ग्रीन कलर का वायर हमें हमेशा बैटरी के माइनस पॉइंट में लगाना पड़ता है। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, और ये देखिए ये रेड कलर का वायर है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव वायर होता है, तो हमेशा इसको प्लस वाले साइड में ही लगाया जाता है। जैसे कि ये बैटरी पे प्लस वाला है तो हम इसको यहीं पर लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लस माइनस वायर हमेशा लगाएं। हमेशा नेगेटिव वायर आपकी लेफ़्ट साइड में होगा और राइट साइड में प्लस का वायर होगा। तो जैसे कि मैंने ये सिंबल बना रखे हैं, तो आप इसी प्रकार से अब जब भी बैटरी लगाने का आपका काम हो तो इस तरीके से आप वीडियो देखकर लगा सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आए। ये दोस्तों बैटरी के साथ हमारे ऐसे टर्मिनल बोल्ट आते हैं दोस्तों, ये 8 नंबर के बोल्ट होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये बोल्ट को लगा लेंगे और पीछे इसके नटे लगती है दोस्तों, तो बोल्ट अंदर डालकर और पीछे हम नटे लगा देंगे। तो
इन बोल्टों का बड़ा ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी ये लूज़ नहीं रहने चाहिए। अगर लूज़ रहेंगे तो आपकी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी और सभी चीज़ों में परेशानी आएगी। तो हमेशा इन बोल्टों का बड़ा ख्याल रखें दोस्तों कि ये हमेशा अच्छी तरीके से टाइट करें। ये इसी तरीके से दूसरा जो हमारा नेगेटिव वायर है तो इसको भी हम बड़ी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, और तो आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब तो करना ही करना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों वायर को लगा दिया है। अब हम एक प्लार की मदद से दोस्तों ये चेक कर लेंगे दोस्तों कि वायर कोई हमारे, जब ये वायर होता है तो इसमें कार्बन आ जाता है, तो धोने के बाद ये क्या होता है दोस्तों, ये लूज़ हो जाता है, अंदर से कॉन्टैक्ट इसका लूज़ रहता है। तो हमें प्लार की मदद से इसको दबाकर, क्लिप को दबाकर अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए कहीं ये लूज़ तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको चेक कर लें। अब दोस्तों देखो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्टिवा को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका स्विच दबाया लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये दोस्तों समझ में नहीं आया, ये बैटरी नहीं लगाने के बाद भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर हमने ध्यान दिया दोस्तों कि ये देखिए जो मेन जो वायर है दोस्तों, ये हमने लगाया तो यहाँ पर जैसे हम सेल्फ लगाते हैं तो धुआं आता है। तो जैसे आप वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा दोस्तों कि जैसे ही हम सेल्फ लगाते हैं तो ये देखिए ये धुआं निकलने लगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो अब धुआं निकलने का कारण हमने देखा, तो दोस्तों ये अंदर हमने टेप हटा कर देखा तो यहाँ पर एक ये मेन पतला जो वायर होता है लाल कलर का, तो ये क्या हुआ, एसिड इसमें लगा हुआ था दोस्तों। तो एसिड के कारण ये क्या है कि ख़राब हो चुका था। तो जैसे ही हम सेल्फ लगाते तो ये लोड नहीं लेता और इसमें धुआं आता, तो स्टार्ट ये बटन दबाने पे भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ से क्या किया दोस्तों कि यहाँ से एक हमने इस वायर को छील कर एक यहाँ पर दूसरा वायर इसमें जॉइंट कर दिया। अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वायर हमने जॉइंट कर दिया है दोस्तों। अब इस वायर पर अच्छी तरीके से हम टेप लगा देंगे दोस्तों। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो आप भी अगर आपकी ऐसी शिकायत हो, आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप भी इस तरीके से इस वायर को ज़रूर चेक करें, क्योंकि इन दोनों वायर को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहीं से सारी सप्लाई आगे जाती है। तो इस तरीके से हमने इस वायर को इसके साथ वापस टर्मिनल को खोलकर और यहाँ पर बीच में इनके साथ वापस सही तरीके से लगा दिया। तो आप देखें दोस्तों, ये इस तरीके से बीच में इसको लगा दें और ये पेचकस के द्वारा आप वापस इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजीली अब ये स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। हमने दो चार बार इसको स्टार्ट कर भी देखा दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सही से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्ट करने के बाद हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है या नहीं है। ये देखिए हमने स्टार्ट की, अब इसमें 12 पॉइंट बता रहा है और जैसे ही हम रेस देते हैं तो ये 14 वोल्ट तक भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा ये चार्जिंग लाइन भी बिल्कुल सही है और ये बैटरी को बिल्कुल बराबर चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका प्यार दें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक।